क्या हुआ डाली? अरे अब क्या हुआ डार्लिंग? राकेश, तुमने ये आवाज सुनी? नहीं तो? कम ऑन यार। फिर वही आवाज। डरने की कोई बात नहीं है डार्लिंग। समझ गया। आवाज वहां से आ रही है। देखो उस कालीन के नीचे से आवाज आई। राकेश, इसके नीचे तहखाना लगता है। अरे बाबा, मैं 3 महीने से ना इस डाक बंगले का मैनेजर हूँ। अरे मुझे कोई तहखाना वायखाना नजर नहीं आया। बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल ही दिया ना? निकाला नहीं वैशाली, मैंने खुद ही रेजिग्नेशन दिया है। बड़ी अक्लमंदी का काम किया है ना? मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ। वांटेड ओवरसीयर्स एंड सिविल इंजीनियर्स। इंजीनियर? और तुम? वांटेड अ मैनेजर फॉर मेडिकल स्टोर। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। वांटेड लेडी ऑफिस असिस्टेंट। अच्छा है, मर्द से औरत बन जाओ, जल्दी काम मिल जाएगा। वैशाली प्लीज, अगर मुझे जल्दी काम नहीं मिला तो सपना इस साल के बीए एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकेगी। फीस के पैसे कहां से आएंगे? एक डाक बंगले के लिए एक काबिल आदमी की जरूरत है। वो तो तुम हो। और अंग्रेजी अच्छी बोल सकता हो। अंग्रेजों के बाद एक तुम ही तो रह गए हो। तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं। वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। बस यूं समझ लो कि ये नौकरी पक्की। मिस्टर अजय, आपको ये नौकरी मुबारक। आज से आप चंदन नगर के डाक बंगले के नए मैनेजर। थैंक यू सर। क्या आप वहाँ अकेले रहेंगे? जी नहीं, मेरी बीवी और मेरी साली भी साथ रहेंगी। अच्छी बात। लेकिन मिस्टर अजय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चंदन नगर का ये डाक बंगला लोगों की नजरों से इस कदर दूर है कि कभी कभी कोई भटका हुआ मुसाफिर वहां आकर ठहरता है। लोग उस डाक बंगले के बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं। वहां के पहले जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। होगी उनकी कोई अपनी वजह, लेकिन लोगों का कहना है उस डाक बंगले की खामोशी और सन्नाटे से पागल होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जी ये लीजिए आपका एडवांस। सपना जी, सपना जी, आपका मनी ऑर्डर है।
थैंक यू। देखा, मनी ऑर्डर आ गया। मैं जानती थी मनी ऑर्डर आएगा। तेरे जीजा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जीजा जी कहाँ है तुम्हारे जीजा जी? ओहो, तुम तो बस, जीजा जी नहीं आए, सिर्फ उनका मनी ऑर्डर आया है। जीजा जी नहीं आए? चलो, जीजा जी का कुछ तो आया। ये तो एकदम पागल है, मेरे जीजा जी पर ऐसे मर मिट्टी है जैसे तू राज पर। याद आया डायना, राजू ने तो हमें आज होटल होराइजन में बुलाया था। हाँ? चल जल्दी चल, चल। कोई नजर नहीं आता यहाँ। ये तो बड़ी वीरान जगह है। अब इस वीराने में बैठकर एक खूबसूरत कविता लिख डालो। अरे भाई साहब, ये डाक बंगला किस तरफ है? अजीब आदमी। भाई साहब, ये डाक बंगला किस तरफ है? सीधे सीधे चले जाइए। कमाल है, यहाँ के लोगों को वाकई डाक बंगले से सख्त नफरत है। वो तो है,
मगर अब पैदल चलना पड़ेगा क्या? मजबूरी है वैशाली, यहाँ कोई सवारी भी तो नजर नहीं आती। चलो चलो। ये मैं पास हो गया, पास है, 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 मैं पास हूँ। अच्छा रहा मेरे को बटन का जवाब नहीं। पास है साला बेटे। ओ सप्पा, love you, पास है, सप्पा, हाँ हाँ, ये तो पता था कि तुम दोनों पास होने वाले हो। ये देखना है कि जान और हम पास हुए या नहीं। ओके। 1391 1392। अब तू मेरा नंबर देख। 1365 1365 1346 1। रॉबरी? डाकू बैंक से 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अरे 20 लाख लेके फरार हुए? तुझे लेकर फरार नहीं हुए। मेरा नंबर देख प्लीज। काश मुझे लेके फरार हो जाए। तेरे को लेके जाएंगे तो आपका गहरा टूट जाएगा। हाँ सपना, अब तेरी जीजा जी के डाक बंगले में रहने का बड़ा मजा आएगा। जीजा जी डाक बंगला? अरे इसका साइज देख कर तो भूत बंगला हो जाएगा। अबे चुप। सपना, हम डाक बंगले कब जाएंगे? हाँ कब? आप नहीं जाएंगे, सिर्फ हम तीनों जीजा जी के डाक बंगले छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। What? और कितनी दूर है? नींद से तो जागो, अपनी आंखें खोलो, हम पहुंच ही गए। ये देखो हमारे बैग्स। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। कोई है? अरे कोई है यहाँ? हेलो हेलो, कोई है? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। तुम भी आओ बैठो। पागल हो गया तुम अजय, किसी का भी खाना लगा है और तुम खाने बैठ गए। अरे बस खाओ ना, भूख लगी हुई है। हद करते हो तुम अजय। बहुत उम्दा खाना था। भगवान खाना बनाने वाले को बड़ी उम्र दे। ये तुम कैसे कह सकते हो ये खाना तुम्हारे लिए था? ते? सीधी सी बात है, मैं इस डाक बंगले का मैनेजर हूँ और तुम मेरी बीवी हो, इसलिए खाना भी दो आदमियों का था। चलो जाके देखते हैं बेडरूम कहाँ है। आओ। ये है बेडरूम। अजय, हमारा सामान यहाँ कैसे? भूत, भूत। क्या है अजय?
मजाक मत करो। ओफो, बहुत लंबा दिन था। दिन तो लंबा था मगर अब रात लंबी मत करना। वो तो जरूर करूंगा। अजय, दरवाजा इस तरह क्यों बंद है? सरकार मुझे तो मालूम नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से ये दरवाजा ऐसे ही बंद है। आइए सरकार। बड़ी अजीब जगह है ये। क्यों? मुझे लगता है किसी जमाने में यहाँ भूत प्रेत रहा करते थे। चाहती हो? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ डाक बंगले में। हाँ, मगर तुम हो कौन? जब तुम लोगों ने नहीं पहचाना तो जीजा जी क्या खाक पहचानेंगे कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। अरे अरे, ये तो तेरा लंगूर है। हाँ? अरे ले चलना इसे, मजा आ जाएगा। हाँ? चल बैठ पीछे। हाँ? हाँ?
के पीछे आएगा, अब तो ये प्यार में जो वो देखा जाएगा, अब तो ये प्यार में जो वो देखा जाएगा। क्या हुआ सपना? वैशाली वैशाली क्या हुआ क्या हुआ? उस खपड़ा आदमी ने सपना को मार डाला। नहीं वैशाली, तुमने कोई भयानक सपना देखा है? अजय अजय, उस बंद कमरे में उस भयानक आदमी ने सपना को मार डाला, उसका सर काट डाला। प्लीज वैशाली संभालो, अपने आप को संभालो। अजय, मुझे उस बंद कमरे में ले चलो प्लीज। ठीक है अजय, ठीक है, कल देख लेना। नहीं अभी, इसी वक्त प्लीज। अच्छा चलो 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 प्लीज। मेरी खातिर कैसे हो सकता है? तुमने तो इस कमरे को पहली बार देखा है। यकीन करो अजय, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। सपना उसी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उस खौफनाक आदमी ने उसे मार डाला। यकीन नहीं आता, वहाँ एक तस्वीर है, सपना की तस्वीर, और उसमें खून गिरा हुआ है। मैं सच कहती हूँ अजय। सपना आ गई है। ओह
लास्ट। क्या हुआ सपना? मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले कभी आई हूँ। क्या बकवास कर रही है, चल अंदर। जीजा जी। हेलो दीदी। जीजा जी। सपना कैसी हो? कैसी हो? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वैशाली ने एक भयानक सपना देखा था। माय गॉड, जीजा जी, मीट माय फ्रेंड्स, इसे तो आप जानते ही हैं, शिज कोमल। नाइस टू सी यू। जीजा जी। डायना। हेलो। हेलो। एंड शिरिन दारूवाला। साहब जी, जीजा जी। हाय। अरे खुर्शीद खान। जी सरकार। इनका सामान ऊपर ले जाओ। अच्छा सरकार। चलो ऊपर चलते। चलो आओ आओ। ये तुम्हारा कमरा है। इस डाक बंगले में काफी कमरे हैं सपना, मगर मेरा ख्याल है तुम लोग सब इकट्ठे रहना पसंद करोगी। यस, है ना? यस। अच्छा आप चले? हम चलो। थैंक्स। थैंक यू जीजा जी। माय प्लेजर। चल डायना, अब तू अपना हनीमून शादी से पहले मना सकती है। शरा, हाउ लकी आई एम। इससे पहले मैं ख्वाब में हनीमून मनाता था, लेकिन आज आज मैं अपने डार्लिंग के साथ में इधर हनीमून मनाएगा। तुम यहाँ नहीं सो सकते, समझे? अरे मैं किधर सोऊं? इधर इतने कमरे हैं, किसी भी कमरे में जाकर मरो। आए, हाँ, लेकिन सुन तो। लेकिन अरे लेकिन कुछ अरे वाट तो कर तू। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुना कर रहा हूँ। यहाँ से वैशाली, अगर मेरी शक्ल उस पेंटिंग से इतनी मिलती है तो इसमें डरने और हैरान होने की क्या बात है? अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया में एक ही शक्ल के दो लोग हों। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसा होता है। हाँ, मगर मुझे इतना भयानक सपना आया क्यों? यही तो तुम्हारा वहम है। और हाँ वैशाली, जहाँ इतना पुराना बंगला हो और कृष्ण मूर्ति जैसे पुराने लोग रहते हो, ऐसे ही सपने आएंगे। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इस डाक बंगले के नए मैनेजर हैं? जी, आई एम राज। This is my permission. You're welcome. Thank you. वैशाली, मानो या ना मानो, लेकिन सपना और राज यकीनन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम तो खामखा में शक कर रहे हो। ठीक है, तो आज मैं उसे डिनर पे बुला लेता हूँ। देखो मारूंगी। हाँ क्या देख रहे हो भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं सरकार, बस यूं ही देख रहा था। हेलो एवरीबॉडी। आओ राज, आओ इनसे मिलो। ये है मेरी वाइफ वैशाली। Hello? और ये है मेरी साली सपना। हाय। हेलो साली जी, आई मीन सपना जी। मैं और राज, ये हैं सपना की सहेलियां कोमल। हेलो डायना। हेलो सलाम साहब। नमस्ते। थैंक यू। राजू, यू फूल, जीजा जी के सामने तुमने ऐसी बदमाशी क्यों की? बाल क्यों? हमारे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत? तुम लोग हो क्या क्या? अरे मेरा पैर छोड़ दो तुम लोग। बस बस, क्या इस बेचारे को मार ही डालोगे? जीजा जी, वो क्या है कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है। जी
तुम्हारा दोस्त है जी? नहीं, वो क्या है कि हम सबका दोस्त है, है ना? राज, तुम ही बताओ इनमें से कौन तुम्हारा करीबी दोस्त है? सर, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शाबाश, अकलमंद हो। थैंक यू सर। तो अरे, अब तो हम ससुराल में है, जरा खातर वातर हो जाए। नहीं राजू, अरे शायद आप ही हैं इस डाक बंगले के नए मैनेजर, और आप हैं हमारे पुराने लीडर, हमारे अधिकार क्षेत्र के भूखे और नंगे लोगों के नेता श्री गरीबदास दौलतराम। आप घर की रोटी और बोटी त्याग कर जनता की सेवा करने और गरीबी का जायजा लेने के लिए निकले हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपसे। खुशी हुई, इसीलिए तो आज रात को नेताजी यहीं विश्राम करेंगे। जरूर आइए, तशरीफ लाइए। थैंक यू, धन्यवाद। ओ खुर्शीद चाचा, ये कौन है? मिनिस्टर है के लीडर है के फीता है के कौन है, मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में आता हो तो बोलो ना। हाँ, ये क्या है, लड़की के साथ का दर्द? मैं सोच रहा हूं कि गरीबी हटाई जाए या गरीबों को हटाया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब से मैंने देखा है कि बाहर लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, मैंने घर में खाना खाना छोड़ दिया। और परिवार नियोजन पर चलने वाली मेरी बीवी ने मुझे 9 महीने का लीगल नोटिस दिया कि अगर तुम ये प्रेम रोग बंद नहीं करोगे, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, किसी एक्टर से शादी कर लूंगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय? अरे कहां गए? तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? सो जाओ, चलो सो जाओ। रिलैक्स। राजन, कल रात जो भयानक सपना देखा, मैं दीदी को उसके बारे में बताना नहीं चाहती, क्योंकि दीदी तो पहले से ही बहुत परेशान है। अच्छा, एक बात बताओ, जो तस्वीर तुमने सपने में देखी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो तस्वीर तुम्हारी है? हाँ, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे डर सा लगने लगता है। ये डर, खौफ, ये वहम तुम्हें दिल में से निकालना होगा, और इसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें मेरे साथ उस कमरे में चलना होगा जहाँ जाने से तुम डरती हो। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें वहां चलना होगा। लेकिन लेकिन जीजा जी को पता चल गया। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो आओ मेरे साथ। राजू, राजू, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे मैंने अपने सपने में देखी थी। वही पलंग, वही
ये जगह तो वही है, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है जिसके बारे में दीदी ने बताया था? ओफ, तस्वीर को मारो गुल। किताब के हर पन्ने पर लिखे गए हैं शैतानों के शैतानी रहस्य और काला जादू करने वाले शैतान और शैतान की औलाद ओजो का भयानक इंतकाम। ये किताब अपने दामन में समेटे हुए है ठाकुर मान सिंह की रियासत में होने वाली बरसों पुरानी दास्तान। आज से बरसों पहले उनकी इकलौती बेटी अपने पति कुणाल के साथ ये कारवां लिए इस रह गुजर से गुजर रही थी। कुणाल कितनी खूबसूरत है ये जगह, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ रुक जाए। जगह तो ये बहुत खूबसूरत है रेबा, लेकिन यहाँ के लोग खतरनाक शैतान के पुजारी काटने वाले लोग हैं। और तुम चंदन नगर के राजकुमार होकर उनसे डरते हो, बस यही बहादुरी है तुम्हारी। बहादुर तो है हम राजकुमारी, लेकिन बेवकूफ नहीं। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम यही रुकेंगे। सिपाही सरदार, हम कुछ देर यही ठहरेंगे। तेरा एक अदना गुलाम तेरे सामने गुजारिश करता हूं मालिक, इस गुलाम को अपनी शैतानी शक्ति का सबूत दे, अपनी शैतानी शक्ति का सबूत दे मालिक, सबूत दे, शैतानी शक्ति का सबूत दे। ऐ दुनिया की अजीम ताकत, ऐ बदी और गुनाहों के बनाने वाले मालिक, मैं तेरा पुजारी तेरा गुलाम। देख देख ये हाथ जो भगवान ने बनाया था, मैं आज इस हाथ को इस दुनिया से मिटा देता हूँ। मैं आज इस हाथ को इस दुनिया से मिटा देता हूँ। मैं आज इस हाथ को दुनिया से मिटा देता हूँ। अपनी शक्ति का सबूत दे, मैं इस हाथ से तेरे नाम के डंके बजाना चाहता हूँ, तेरे नाम को दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। अपनी शक्ति का सबूत दे, इस हाथ को अपना हाथ बना दे, इस हाथ को अपना हाथ बना दे, इस हाथ को अपना हाथ बना दे। मैं इस हाथ की बलि चढ़ा रहा हूँ मालिक, अपनी बेफना शक्ति। सबूत दे, सबूत दे मेरे मालिक, मेरे शैतान, सबूत दे, सबूत है मेरे मालिक, सबूत है मेरे मालिक, सबूत है।
राजकुमारी कहाँ है? टहलने गई है। अकेली? इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं सुनना। लेकिन पिताजी, तुम्हारी जिद, बेवकूफी और नादानी ने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। हमें अफसोस है कि तुमने कुणाल की दी हुई नसीहत को नहीं माना। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने ऐन मौके पहुंचकर हमारे खानदान की शाही इज्जत को बचा लिया। हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है कुणाल, लेकिन तुम्हें उस खानाबदोश को जिंदा नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये शैतान के पुजारी इंतकाम जरूर लेते हैं। ओसो, दुनिया की अजीम ताकत शैतान, जिसने हमें और तुम्हें बनाया है और इतनी ताकत बख्शी है कि हम बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों को अपने कदमों में झुका सकते हैं, और तुमने एक औरत के हसीन जिस्म के आगे अपने सर को झुका दिया। लालच है तुम पर ओसो, तुमने हमारी शैतानी ताकत की तौहीन की है बेटे। आज हमारी जान, हमारे दिल की धड़कन, हमारी प्यारी दुल्हन का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ लगता है। क्या बात है? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। बात करने को कौन कहता है, हम तो कुछ और ही करना चाहते हैं, तुमसे प्यार। जालिम हैवान, शैतान के बेटे की मौत इतनी आसान नहीं होना चाहिए, इसे नीचे तहखाने में ले चलो। ठाकुर मान सिंह जानता था कि यह खूनी दरिंदा
राजकुमारी के साथ अपनी हवस मिटाने में नाकामयाब रहा। इसकी हवस अधूरी रह गई। ठाकुर मानसिंह को डर था कि तहखाने की फौलादी सलाखों में कैद इस वैसी दरिंदे की अधूरी हवस किसी भी वक्त जाग सकती है, और अपनी हवस मिटाने के लिए ये तहखाने की फौलादी सलाखें मरोड़ कर बाहर आ सकता है। बस राजू बंद करो, मुझे डर लग रहा है। सपना, मुझे लगता है ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। ये आवाज कैसी? क्या बात है राजू? मुझे लगता है इस कमरे के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना है जिसमें कोई चल रहा है। शायद हमारे दोस्तों में से कोई हो। नहीं सपना, ये चलने की आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। राजू, राजू मुझे डर लग रहा है, चलो यहां से चलें। चलो ना। चलो। सपना, हाँ? नींद आ गई क्या? नहीं तो फिर इतनी खामोश क्यों? राजू, राजू मुझे फिर वो डरावने सपने नजर आने लगे। सपने में एक दीवार नजर आती है जो कह रही हो कि मैं एक खूनी राज हूं, मेरे पीछे एक तहखाना है। ऐसा लगता है वो मुझे अपने पास बुला रही है और कह रही है आओ आओ। बस यही सोचकर डर जाती हूँ राजू। तहखाना कहाँ है? चलो मेरे साथ। कहाँ? किताब देखते हैं। उस तहखाने का राज इसी किताब में है। खूनी हादसों के हैबतनाक डरावने मंजर देखकर ठाकुर मानसिंह तिलमिला उठा। इंतकाम के फड़कते शोलों में दहकता ठाकुर मानसिंह उबल पड़ा। अलग कर दो वो हाथ जो हमारे दामाद पर उठे थे। कलम कर दो उस सर को जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। अब जाओ और बुला के लाओ इसके शैतानी बाप को और उसे हमारी तरफ से ये तोहफा दे दो।
सरदार। क्या है सरदार? तहखाने में। ओजो मेरे जानशीन ओजो, मैं आज तुझे अपनी सारी शैतानी ताकत और तमाम जिंदगी देता हूं। इनके भगवान ने तुझे मौत दी है, लेकिन मेरा मालिक तुझे फिर से जिंदा करेगा। और जिस दिन तू जिंदा होगा ना, एक कयामत बरपा होगी जो सारी इंसानियत तुझसे पनाह मांगेगी। और तू शैतान का असली और सच्चा जानशी कहलाएगा। मेरे मालिक मेरी कुर्बानी कबूल कर। खाने को इन दोनों की कब्र बना दो और इसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो। पत्थर की दीवार चुनकर उस पर सूरज देवता की मोहर लगा दो, ताकि ये शैतान फिर कभी बाहर ना आने पाए। सूरज देवता की मोहर लगी हुई इस दीवार के पीछे खौफनाक शैतानों की कब्रें हैं। सूरज देवता की इस मोहर को हटाने की जिस किसी ने भी कोशिश की तो अंजाम न जाने क्या होगा। खुर्शीद खान, ये क्या देखते रहते हो? कुछ नहीं। बड़ा अजीब आदमी है। चलो Thank you.
अरे भाई ये तो सिर्फ कबूतर थे। चलो आओ मेरे साथ। सदियों से इस तहखाने में कोई नहीं आया। कम इन। क्या हुआ सपना? जीजा जी मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। आखिर हुआ क्या? मुझे भी वैशाली की तरह सपने आते हैं। ऐसा लगता है मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में भी मैं इसी डाक बंगले में थी और इन्हीं सपनों की वजह से राजू और मैं दीवार तोड़कर डाक बंगले के तहखाने में गए। वहां मुझे इंसान की हड्डियों का ढांचा मिला। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहां से ले चलो। सपना प्लीज, सपना अपने आप को संभालो, कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। सपना उठो, कम। मैंने कितनी बार कहा है अजय, ये नौकरी छोड़ दो, प्लीज हमारी खातिर ये नौकरी छोड़ दो। इंसान की हड्डियों का ढांचा और वो भी डाक बंगले के नीचे। हम लोग ये जगह अभी इसी वक्त कोई जगह छोड़ के नहीं जाएगा, और जगह छोड़ के इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसके 3 बजे हैं। बता दें तो वजह नंबर 1 जगह। राजू प्यारा दोस्त है, इतने प्यार से खून करता है कि मरने वाले खुश हो जाते हैं। दिलावर सिंह वजह नंबर 2, एक ही बार में दिल निकाल कर धमाक उछाल देता है। अच्छी अच्छी कसाई इनके हुनर से शर्मा गए। टाइगर वजह नंबर 3, अपने शिकार को पंजों में दबोच कर नर की सैर कराता है। मरने वालों को यह सैर हमेशा याद रहती है। और ये मोहब्बत हसीना हसीना कातिल हमारा हमारा है, यादाओं से जान लेती है और दावत गुना देती है। अरे मैंने ऐसी दावतें बहुत खाई हैं। बाय द वे ये कौन है, जेम्स बॉन्ड? और आप किस खेत की मूली हैं? पिताजी मैं तो आपसे मजा कर रहा था। बहुत अक्लमंद हो, बाप को जल्दी पहचान गए। कौन हो तुम लोग, निकल जाओ यहाँ से। जीजा जी, इन लोगों की तस्वीर मैंने अखबारों में देखी है, इन्होंने बैंक लूटा है। हाँ लड्डू सेफर मारी है। हाँ,
निशाना तुम्हारा बाजू था जाए, अगला निशाना तुम्हारी खोपड़ी होगी। खुर्शीद खान, तुम? खुर्शीद खान की लाश तुम अपनी आंखों से देख चुके हो अजय बाबू, ये तो सिर्फ उसका रूप है, देखो। मेरा भाई और हमारा सरदार शाकाल, बहुत मुद्दत से इस सुनसान डाक बंगले पर हमारी नजर थी। बैंक का माल लूटने के बाद जब हम यहां सब छुपने के लिए आए तो तुम सब यहां टपके। एक बात और सुनो, जब तक हमारे बाकी साथी बैंक का लूटा हुआ माल लेकर यहां पर नहीं पहुंच जाते, तुम सब मेरी कैद में हो। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ। एक बात और, किसी ने कोई होशियारी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे पगली, कुछ नहीं है, थोड़ी सी खराश है। अजय भैया, अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो वो लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं राज, ये मत भूलो कि हम लोग निहत्ते हैं और उनके पास हथियार हैं। तो क्या हुआ, हम फिर भी कुछ कर सकते हैं। राज नहीं, शिट। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं किस्मत, बिन मांगे सुबह सुबह गरम गरम चाय लाइए। जनेवन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर एक हमारे लिए भी बना दीजिए ना। जो खुद अपने आप बना, ये क्या बदतमीजी है। कुछ नहीं, आपने कहा ना कि चाय अपने आप बना लो, तो मैंने सोचा कि आपके से गर्मा गर्म चाय। चाय तो पी लेने तो जाने मन। कितना अच्छा मौसम है, बाहर चलकर चाय पीने में बड़ा मजा आएगा। आओ, छोड़ दूंगा मेरी जान, जरा गरम गरम चाय तो पी लूं।
ये लाश ऊपर से आके गिरी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या? जब तक हमारे साथी बैंक का लूटो माल लेकर यहाँ नहीं आ जाते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ए शाकाल, दिलावर तो ऊपर चला गया लेकिन बैंक का लूटा हुआ अपना हिस्सा हम लोगों के लिए छोड़ गया। लेट अस सेलिब्रेट। यस बॉस। टाइगर ये लो, क्या लगता कोई भागने ना पाए साला कहीं से। ओके बॉस। हाँ ओके। मुझे दुनिया वाला शराबीन। Thank you.
सब लोग ड्रामा कर रहे हो ताकि तुम्हारे ड्रामे से डर कर हम लोग यहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन सब ने मिलकर टाइगर को मारा है। टाइगर की मौत का जिम्मेदारी इन्हीं में से एक है। नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा उस जिंदा लाश को। ले जाओ उसे। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कहती हूँ, उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिंदा लाश ने मारा है। सपना, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? कुछ समझ में नहीं आता, क्या यकीन करूँ, लेकिन हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना पड़ेगा। लेकिन हमें उस कुत्ते का सामना करना होगा। आज उसने इस पे हाथ उठाया, कल किसी पे भी हाथ उठा सकता है। हम कब तक खामोश रहे? हम उससे कमजोर हैं क्या? राज प्लीज, हमारे साथ औरतें भी हैं। आ मुन्ना। मुन्ना, वो जग्गा कहाँ है? जग्गा भैया मुझे नहीं मालूम। कहीं जग्गा ने गुलशन का खून तो नहीं किया? हो सकता। खैर भैया, तुम अपनी प्यास बुझाओ और मैं अपनी। चलो जाओ। मुन्ना भी साला कभी सुधरेगा नहीं। अजय, तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई इस टाक पंगले में कोई जिंदा लाश है? यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन डायना की बातें सुनकर मुझे भी शक होने लगा है। खैर, इन बातों को छोड़ो, चलो खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। तुम जाओ प्लीज। वैशाली, उसका कुछ मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी ले आता हूं।
दीदी दीदी, अरे इस लाइट को क्या हुआ? दीदी कमरे में दाखिल हुआ तो देवी की लाश मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। I don't understand. Come on.
नहीं, तुम लोग यहीं रहो। आओ राज, I'm
अजय भैया, हमें उस जिंदा लाश के राज का पता चल गया। उसका राज है सूरज की किरणें। अगर उसकी मौत हो सकती है तो सिर्फ सूरज की किरणों से हो सकती है। इसलिए वहाँ उस दीवार पर मोहर लगी हुई थी सूरज देवता की। हाँ अजय भैया, जैसे सूरज की किरणें उस पर पड़ने लगती है वो चीखने लगता, चिल्लाने लगता है। कुछ करना होगा अजय भैया, चलो मेरे साथ। कहाँ? तहखाने में। चलो चलो सपना, कहो देखो, ये हुक उस मेन स्विच को ऑन करते ही डाक बंगले की ऊपरी मंजिल तक जाता है। राज, तुम यहां रुको, मैं दिखाता हूं। जिंदा लाश नीचे आएगी, मैं उसके पीठ में यह हुक मारूंगा और तुम वो मेन स्विच ऑन कर देना, जिंदा लाश ऊपर निकल जाएगी। वो तो ठीक है अजय भैया, लेकिन मेन स्विच आप ऑन करेंगे और ये हुक मैं मारूंगा। और बाहर जाते ही सूरज देवता के किरणें उस पर पड़ेगी और यकीनन उसकी मौत हो जाएगी। यकीनन।